गाइस, माय नेम इज़ अनुराधा। वेलकम टू आवर चैनल जीके गाइडेंस एंड नॉलेज। हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स की रिहैबिलिटेशन के बारे में। जब मेजर प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया जाता है, उनके इनकी वजह से क्या क्या इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ते हैं, उसे हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, रिहैबिलिटेशन जो ह्यूमन सेटलमेंट्स का है इन्वायरमेंट के लिए, वो एक इम्पैक्ट होता है उसका काफ़ी ज़्यादा, जब वो कंट्रोवर्सी अट्रैक्ट कर लेता है जब प्लानिंग की जाती है मेजर प्रोजेक्ट्स की। हमें क्या डिस्कस करना है, क्या क्या मेजर्स हैं जो सजेस्ट किए जा सकते हैं इसको मिटिगेट करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए इम्पैक्ट्स को, जब हम मेजर प्रोजेक्ट्स को लगाएं। इस क्वेश्चन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये जीएस पेपर 3 में पूछा जा सकता है। किसके अंदर? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर, और कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी और गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन के अंदर। इसका इंट्रोडक्शन क्या दे सकते हैं, इंडिया एक बायोडाइवर्स कंट्री है जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, जैसे कि लैंड है, रिवर्स हैं, ओशन है। पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से डिमांड्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं ह्यूमंस की, और वजह से ही इंक्रीज़ हो रही है पॉपुलेशन, ग्रोइंग कंसर्न जो इन्वायरमेंट को लेकर। रिहैबिलिटेशन है वो एक मेजर चैलेंज होता है प्लानिंग करने के टाइम पे मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे कि इसके अंदर 40% ट्राइबल ग्रुप्स हैं उसका डिस्प्लेसमेंट होता है ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि इंडियन पॉपुलेशन का सिर्फ 8% है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टिहरी डैम बनाया गया था, सरदार सरोवर डैम बनाया गया था, उस टाइम पे काफ़ी सारा डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता था। इसे टैकल करने के लिए गवर्नमेंट है वो उसने अडॉप्ट की एक पॉलिसी जिसका नाम है नेशनल रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी, ताकि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको कम से कम किया जा सके। इसके पीछे क्या क्या रीज़न है रिहैबिलिटेशन के पीछे, नेचुरल डिज़ास्टर हैं जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, सुनामी आ गई, या फिर कोई वोल्केनो फट गया, या फिर जो काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ गया, या फिर फ्लड आ गया, या फिर हुरिकेन आ गया, इनकी वजह से। और मैन मेड डिज़ास्टर हैं वो भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजडी हुई है तो सबको याद ही होगा, ये एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, इसके अंदर मीथेन गैस है उसका लीक हो गया, वो लीक हो गई थी, और न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था करंटली जापान के अंदर, और ऑयल स्पिल है वो देखने को मिला था, एक्सॉन वोल्टेज ऑयल स्पिल है ये, और टॉक्सिक कंटामिनेशन ऑफ सिटीज़ भी देखने साइट्स भी देखने को मिलता है। और क्या रीज़न है इसके पीछे, अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए चले जाते हैं लोग दूसरी जगह पे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि कंस्ट्रक्शन है, कहीं पे डैम बनाई जा रही, कहीं पे कनाल बनाई जा रही, कहीं रिजर्वायर बनाया गया तो उसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि कहीं फ्लाईओवर, ब्रिज, रोड ये बनाए जाते हैं, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ जैसे कि रोड बनाया जाए, या फिर हाईवे बनाया जाए, या फिर कैनाल बनाई जाए, उसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। एनर्जी रिलेटेड भी प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे पावर प्लांट है, ऑयल एक्सप्लोरेशन है, माइनिंग एक्टिविटीज़ करने के लिए, पाइपलाइन लगाने के लिए जैसे कि HBG पाइपलाइन लगाई गई थी, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी, और प्रोजेक्ट जो रिलेटेड होती हैं कंजर्वेशन के लिए, जैसे कि नेशनल पार्क बना दिए जाते हैं, सेंचुरीज बनाई दी जाती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए जाते हैं, वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट्स को रहना अलाउड नहीं होता है, तो इसलिए वो भी एक रीज़न बनता है डिस्प्लेसमेंट के पीछे। इश्यूज़ या कंसर्न्स क्या हैं इससे रिलेटेड, बहुत ही कम सपोर्ट देखने को मिलता है, और कंपनसेशन भी बहुत ही कम देखने को मिलती है, या तो पेड ही नहीं की जाती है, या तो दी ही नहीं जाती है, और अगर दी भी जाती है तो बहुत ही ज़्यादा लेट दी जाती है, और बहुत ही कम होती है मॉनिटरी के टर्म में भी और सोशल चेंजेस के टर्म में भी है, जिसके अंदर कहाँ पे, जहाँ पे मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं, लाइवलीहुड है उनका वो खो जाता है, और फैसिलिटीज़ भी कम हो जाती हैं, और उनका माइंड में स्ट्रेस बढ़ने लगता है, और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं, आइडेंटिटी लॉस हो जाती है, जैसे स्पेशली जो ट्राइबल पीपल हैं वो अपनी प्लेस के नाम से या फिर प्लेस की वजह से जाने जाते हैं, अगर उससे उनको वहीं से हटा दिया जाए तो उनकी आइडेंटिटी लॉस होना बहुत ही कॉमन बात है। इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, स्पेशली जो नेचुरल और लिविंग एनवायरनमेंट है उसके ऊपर काफ़ी सारे डैमेजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि टोपोग्राफी और फिजिकल फीचर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जो लैंडस्केप है वो भी डैमेज हो जाता है, और इरोजन देखने को मिलता है, जो प्रोडक्टिव सॉइल है और जो स्लोप फेलियर है वो भी देखने को मिलता है। फिर क्या है, सॉइल है, वाटर है, जो वाटर बॉडीज़ हैं वो भी कंटेमिनेट हो जाती हैं, फिर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, सरफेस वाटर है वो भी रन ऑफ हो जाता है, और जो डस्ट है, डेब्रीज हैं वाटर और एयर के अंदर, वो भी इंक्रीज हो जाती हैं। वाटर फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी अगर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा तो वहाँ पे फॉरेस्ट की कटाई की जाएगी, हैबिटेट है वो भी
हमारा लॉस हो जाता है, इकोलॉजिकल डिस्टेबलाइजेशन भी हो जाता है, और कंटेमिनेशन होता है जो फ्लोरा और फ्लोना होता है, मतलब कि हमारे एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनका भी कंटेमिनेशन देखने को मिलता है, डिजीज़ हैं वो भी ट्रांसमिट होने लग जाती हैं, और फिर क्या है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर हैं वो भी डिस्टर्बेंस, उसकी भी उसके अंदर भी डिस्टर्बेंस आ जाती है, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं, फिर जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वो खुद भी डिस्टर्ब हो जाती हैं क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दिया जाता है, एडवर्स इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, और इम्पैक्ट है जो एस्थीसीज हैं उनके ऊपर भी ज़्यादा ही, वो भी इम्पेयरमेंट हो जाती हैं। फिर मेजर्स क्या क्या लेने की ज़रूरत है जो सेकंड पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करने की ज़रूरत है ताकि अंडरस्टैंड किया जाए कि मेजर प्रोजेक्ट की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, एम्पावर करने की ज़रूरत है ग्राम सभाज को कि उनकी फाइनल कॉल उन्हीं की होगी, रियलाइज़ की जा सके जो लोगों की विल है उससे, फिर एडिक्यूएट रिहेबिलेशन और रीसेटलमेंट करने की ज़रूरत है पीडीपी के द्वारा, पीडीपी क्या होता है पर्सनल डेवलपमेंट प्लान है इसके थ्रू, फिर क्या है अल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ देने की ज़रूरत है, उन्हें स्किल ट्रेनिंग भी दी जा सकती है और ताकि और उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, डिसरप्शन हो जाता है उनकी ट्रेडिशनल वोकेशन और वो पॉवर्टी के अंदर भी चले जाते हैं इस, और डेली वेजर्स वेज वर्कर्स बनकर रह जाते हैं, इसलिए भी उनकी ज़रूरत है हमें काफ़ी ज़्यादा लाइवलीहुड देने की, और मैकेनिज्म सेट करने की ज़रूरत है ताकि हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कर पाएँ, फिर क्या है प्रॉपर स्टडी करने की ज़रूरत है तभी जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उससे पहले, फिर आगे क्या दे सकते हैं हमें ज़रूरत है कि हम इम्पोर्टेंस दें इन्वायरमेंट को प्रोजेक्ट से ज़्यादा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं हिली एरियाज़ के अंदर कम करनी चाहिए क्योंकि हमने काफ़ी बार देखा है, अभी देख रहे थे अभी जो रिसेंटली हुआ है लास्ट में क्या हुआ है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिला था जो फ्लड आ गया था एकदम से हिली एरिया के अंदर, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे डेब्रीज हैं वो डाल दी गई थी उसकी वजह से प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है, और ये ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है जैसे कि रेजिलेंट और सस्टेनेबल सिटीज़ बनाने की ज़रूरत है, ज़्यादा फोकस देना चाहिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उनको और प्रमोट करना चाहिए, सोलर एनर्जी को, ई व्हीकल्स को, ग्रीन बिल्डिंग को, एफॉरेस्टेशन भी करना चाहिए, और सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर ध्यान देना चाहिए जिसके अंदर 6R को इंक्लूड किया गया है ताकि इको फ्रेंडली बनाया जा सके, इसके अंदर रिड्यूस करना है, रिकवर करना है, फिर रिसाइकिल करना है, फिर उसी को रीयूज़ भी करना है, रीडिज़ाइन भी करना है और दोबारा से बनाना भी है। फिर हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, गवर्नमेंट को अपनी ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट के ऊपर ग्रोथ करनी है, इस एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है, और रियल इम्पैक्ट जो इन प्रोजेक्ट्स का होता है उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, एम्पावर करना ताकि एम्पावर किया जा सके कॉमन मैन को, और जो हमारे गांधी जी का जो टैलिस्मैन है वो इसको समझने के लिए एक गाइडिंग स्टार है, उन्होंने एक कोटेशन भी दी थी कि हमारी आवश्यकताएं के लिए हमारी पृथ्वी काफ़ी है, लेकिन अगर हमारे लालच में पड़ जाएंगे हम तो ऐसी 3-4 पृथ्वी भी कम पड़ जाएंगी, तो उसे आप इंक्लूड भी कर सकते हैं आंसर के अंदर, यह हमें हेल्प करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 13 जो क्लाइमेट एक्शन है उसको अचीव करने में। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड योर सजेशंस टू इम्प्रूव। जय हिंद जय।